राहुल की भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी का हमलावर तेवर नजर आया है। डिप्टी सीएम बीजेश पाठक ने की है प्रेस कॉन्फ्रेंस। राहुल गांधी की इस यात्रा का कोई मकसद नहीं, राहुल गांधी देश को तोड़ने की बात करते हैं। राहुल गांधी ने यूपी से गुजरने की हिम्मत नहीं की। इस यात्रा का कोई मतलब, कोई उद्देश्य नहीं। बीजेश पाठक ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बड़ा बयान दिया है। यूपी की जनता ने कांग्रेस को नकारा, यह बीजेश पाठक का बयान है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बयान दिया। इस खबर पर हमारे संवाददाता विभांशु हमारे साथ मौजूद है। विभांशु, राहुल की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बीजेश पाठक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस यात्रा का कोई मकसद नहीं है, बेमतलब ये यात्रा हुई है, क्या कहेंगे आप इस पे? जी बिल्कुल, आपको बता दें मनीष जी कि आज जहां भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश हुई, गाजियाबाद में आज लोनी बॉर्डर से इस यात्रा के 9 दिन के स्थगित के बाद से ये यात्रा का शुरुआत फिर से हुआ है। अगर बात की जाए तो 3 दिनों में 120 किलोमीटर ये यात्रा उत्तर प्रदेश के लगभग 3 जिलों में घूमेगी। आपको बताएं गाजियाबाद, बागपत, शामली, इन 3 जिलों में ये यात्रा जाएगी, जिसके बाद आज यात्रा के शुरुआत के बाद आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर एक अहम प्रेस वार्ता रखी गई जिसमें सूबे के उप मुख्यमंत्री बीजेश पाठक की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें साफ तौर से वो भारत जोड़ो यात्रा और साथ ही राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि जो इमरजेंसी के दौर को उन्होंने दलील दी, साथ ही साथ उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि अब भ्रष्टाचारियों को उन्होंने देश तोड़ा है, वो जोड़ रहे हैं, ऐसा बीजेश पाठक का कहना था। साथ ही वो भारतीय जनता पार्टी के नेता और साथ ही साथ सूबे के उप मुख्यमंत्री ने कहीं ना कहीं आज हमलावर तेवर दिखाते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक चांदी की चम्मच से खाते हुए बड़े हुए हैं, अब कहीं ना कहीं वो देश को अब खोखला करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में जो टुकड़े गैंग हैं, साथ ही साथ जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने वाले लोगों को वो मंच दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जो देश विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित रहे हैं, ऐसे नेताओं को वो मंच दे रहे हैं। तो साफ तौर से कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीजेश पाठक पूरी तरह से आज भारत जोड़ो यात्रा पर हमलावर रहे। और उन्होंने कहा कि कहीं उत्तर प्रदेश में महज 3 जिले नहीं है, उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो 75 जिले हैं, और ये यात्रा से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर में सांकेतिक यात्रा रहेगी। और बात की जाए तो उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में अस्तित्व नहीं है, और ये जो उनका भारत जोड़ो यात्रा है वो महज एक पुलिंदा बन के रह जाएगा, सोच का पुलिंदा, वो जमीन पर नजर नहीं आएगा। और उन्होंने कहीं ना कहीं कहा अपने आज के संबोधन में कि भारत जोड़ो यात्रा पूरी तरह से फ्लॉप शो साबित होगा। जी कहीं ना कहीं विभांशु, ये भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी और कांग्रेस को लेकर अगर बात की जाए तो ये अपनी जमीन को तलाशने की कहीं ना कहीं पूरी कवायदत है, क्योंकि पिछले जितने भी इलेक्शन हुए, जितने चुनाव हुए, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो सियासी समीकरण है वो डामाडोल होता नजर आया है और कहीं ना कहीं उनका ग्राफ काफी गिरा है। तो ये भारत जोड़ो यात्रा उनको मजबूती देने के तरफ एक कारगर कदम है, लेकिन बीजेपी को कहीं ना कहीं ये कदम कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि 2024 की कहीं उनके समीकरण को खराब ना कर दे। फिलहाल विभांशु, इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत जोड़ो यात्रा पर बड़ी खबर, लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। ये राहुल गांधी का स्वागत करेगी राष्ट्रीय लोकदल। आरएलडी के नेता और कार्यकर्ता स्वागत करेंगे, बागपत और शामली में यात्रा का स्वागत होगा। जयंत चौधरी ने राहुल गांधी के स्वागत के निर्देश दिए। पश्चिम की राजनीति में नए समीकरण के संकेत। भारत जोड़ो यात्रा पर बड़ी खबर है लखनऊ से, इसमें जयंत चौधरी ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करने की बात कही है। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवेक हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक, जयंत चौधरी ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करने का संकेत दे दिया है। राहुल गांधी का स्वागत करेगी राष्ट्रीय लोकदल, ये कौन से समीकरण आपको बनते नजर आ रहे हैं? कहीं ना कहीं जयंत चौधरी
भारत जोड़ो यात्रा से प्रभावित तो नहीं दिख रहे हैं, और 2024 में कहीं इनके आपसी गठजोड़ की कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि तो तैयार नहीं हो रही है? तो आपको बता दें कि राहुल गांधी का स्वागत करेगी राष्ट्रीय लोक दल, आरएलडी के नेता और कार्यकर्ता स्वागत करेंगे। जयंत चौधरी का ये अपने सभी कार्यकर्ताओं वरिष्ठ पदाधिकारियों को ये निर्देश जारी हुआ है कि जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उनके क्षेत्र में पहुंचेगी तो उनको उसका स्वागत का निर्देश जारी है। और बागपत और शामली में यात्रा का स्वागत होगा। जयंत चौधरी ने अपने पदाधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत उनके कार्यकर्ता करेंगे। 2024 को लेकर जयंत चौधरी कोई राजनीतिक समीकरण बनाते नजर आ रहे हैं। लोकदल आरएलडी के नेता और कार्यकर्ता स्वागत करेंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की जब वो बागपत और शामली में पहुंचेंगे। 2024 को लेकर जयंत चौधरी का कोई राजनीतिक समीकरण इसमें उनको नजर आ रहा है, राजनीतिक गठजोड़ उनको नजर आ रहा है। हो सकता है आने वाले समय में 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कोई महागठबंधन की तैयारी हो सकती है जिसमें कि वो भी अपना योगदान दे सकते हैं। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवेक हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक, बागपत और शामली में स्वागत करेंगे जयंत चौधरी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी, क्या कहेंगे आप इस पे? 2024 को लेके क्या कोई राजनीतिक समीकरण बनता नजर आ रहा है आपको? देखिए मनीष, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि आज जो है उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई है और जो रालोद के प्रमुख है जयंत चौधरी, उन्होंने एक ट्वीट करके इस यात्रा को शुभकामनाएं दी हैं, बधाई दी हैं राहुल गांधी को, और बेहद ही भावनात्मक ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि तप करके ही धरती से बनी जो ईंटें हैं वो आसमान को छूती हैं, भारत जोड़ो यात्रा के तपस्वियों को सलाम। ये ट्वीट था रालोद के प्रमुख जयंत चौधरी का। इसके बाद यात्रा शुरू होती है और यात्रा को बीच में ही राहुल गांधी जो है वो थोड़ी दूर यात्रा करते हैं, फिर इसको बीच में ही छोड़ देते हैं। कल बागपत और शामली से यह यात्रा शुरू होगी जहां राहुल गांधी इस यात्रा का फिर से नेतृत्व करेंगे। और चूंकि ये पश्चिम का इलाका है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, और रालोद के जो प्रवक्ता है अनिल दुबे, उन्होंने एक बयान जारी किया है कि वो स्वागत करेंगे राहुल गांधी का इस यात्रा में। जब वो बागपत और शामली से यात्रा शुरू होगी तो भारत जोड़ो यात्रा का रालोद के कार्यकर्ता समर्थक जो है वो स्वागत करेंगे। तो इस प्रकार के बयान से पश्चिम में एक नए सियासी का समीकरण जो है वो संकेत मिल रहा है कि इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो भारतीय जनता पार्टी का एक हिसाब से गढ़ रहा है, उन्होंने 2017 में 110 सीटें यहाँ से जीती थी विधानसभा चुनाव में, 2022 में वो सीटें जरूर कम रह गई थी, लेकिन फिर भी 93 सीटों पर जो है जाटों और किसानों का पुरजोर विरोध के बाद 93 सीटें जीती थी। तो पश्चिम कितना मजबूत किला है भारतीय जनता पार्टी के लिए तमाम विपक्षी पार्टियां जानती हैं, और राष्ट्रीय लोकदल रालोद के प्रमुख जयंत चौधरी जो एक किसान परिवार से आते हैं, जाट समुदाय से उनका खासा लगाव है, वो भी इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं। तो वो जानते हैं कि कितना जरूरी है इस यात्रा का सपोर्ट करना रालोद की राजनीतिक भविष्य के लिए, क्योंकि आम चुनाव जो है उसमें करीब 14 या 15 महीने अभी बचे हुए हैं, तो उसके लिए तैयारी ये सभी विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है एक से एक बड़े चुनाव को फतह करते चली जाती है और उसको रोकना बेहद आसान लग रहा है इस भारत जोड़ो यात्रा से। सभी विपक्षी पार्टियां जो हैं वो एक सुर मिला रही है कांग्रेस से। कल ही अखिलेश यादव ने एक लेटर जारी करके शुभकामनाएं दी थी, आज जयंत चौधरी ने ट्वीट करके शुभकामनाएं दी हैं, और उनके प्रवक्ता अनिल दुबे ने एक बयान जारी करके कह दिया है कि बागपत और शामली में रालोद के जितने कार्यकर्ता समर्थक होंगे वो इस यात्रा को स्वागत करेंगे, राहुल गांधी का इस यात्रा का स्वागत करेंगे और भव्य स्वागत करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक संकेत दिया गया है पश्चिम के सियासी समीकरण को आने वाले आम चुनाव के लिए। मनीष, एक साफ कहा जा सकता है कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी का
ये साफ संकेत है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं जयंत चौधरी उनको साधते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजौरी में हिंदुओं की हत्या के विरोध में करनी सेना, अलीगढ़ से बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। जिला मुख्यालय पर करनी सेना के पदाधिकारियों ने किया है विरोध प्रदर्शन। घटना को अंजाम देने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ज्ञानेंद्र चौहान के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ है। करनी सेना के पदाधिकारियों ने जमकर किए नारेबाजी। अलीगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट का मामला है ये। इस खबर पर हमारे संवाददाता नितेश जुड़ चुके हैं। नितेश, राजौरी कांड को लेकर अलीगढ़ में करनी सेना के पदाधिकारियों ने धरना प्रदर्शन किया है। वो काफी शर्मनाक घटना है जिसमें आधार कार्ड दे के हिंदू परिवार होने के नाते उन्हें गोली मार दी गई है। शाम की ये घटना है। दूसरे दिन IED भी वहां बरामद हुई है, वहां पे सुरक्षाकर्मी थे, जांच पड़ताल भी हो चुकी थी क्योंकि गोलियां शाम को चल चुकी थी। दूसरे दिन IED प्लांट हुआ, उसमें धमाका हुआ, एक 5 साल की बच्ची की मौत हुई। उसके बाद वहां के क्या सुरक्षा व्यवस्था थी और करनी सेना इस पर क्या आरोप दिया, विरोध जता रही इस पर, आगे पूरा क्या मामला है ये, तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा करनी सेना का जो अपना विरोध है उसको लेकर बताइए। मैं आपको बता दूं, आज करनी सेना द्वारा कलेक्ट्रेट पे जाकर जी 90 दिन हिंदू के साथ जो घटना का अंजाम दिया गया, इसको लेकर करनी सेना द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है और उस ज्ञापन में इस तरीके की मांग रखी गई है कि जल्द से जल्द उन आतंकियों को और इन आतंकियों द्वारा जो संगठन चलाए जा रहे हैं उन लोगों पर जल्द गहरी से गहरी कार्रवाई की जानी चाहिए। करनी सेना के जो पदाधिकारी हैं, जो उनके वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने इस पे क्या आपत्तियां जताई हैं और प्रशासन लेकिन को किस चीज को लेकर मांग की गई है कि वहां पे सुरक्षा व्यवस्था कैसी चाक चौबंद होनी चाहिए और क्या कमियां पाई गई, उन्होंने क्या इस पे अपना विरोध जताया है? करनी सेना द्वारा बताया गया है कि लगातार हिंदुओं पर इस तरीके की घटना हो रही है और लगातार हिंदुओं को ही मारा जा रहा है और आधार कार्ड देख के इस तरीके की घटना को अंजाम देने का एक शर्मनाक कार्य किया जा रहा है। इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए और करनी सेना द्वारा प्रधानमंत्री को एक प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया गया सिटी मजिस्ट्रेट को। सिटी मजिस्ट्रेट पे ज्ञापन देने के बाद ये भी बोला गया अगर ज्ञापन तो कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी तो इसको हम खुद हाथ में इस मामले को लेकर और आगे बढ़ेंगे, इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा, इस तरीके की बात कही जा रही है। अलीगढ़ से नितेश, इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्ती से बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे जिले के कांग्रेसी। कांग्रेस कार्यकर्ता गाजियाबाद के लिए हुए रवाना। कांग्रेस जिला अध्यक्ष नसीम चौधरी की अगुवाई में रवाना हुए कांग्रेसी। नफरत के खिलाफ है राहुल गांधी की यह यात्रा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष का यह बयान सामने आया है। हर देशवासी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल, कंधे से कंधा मिला के आगे चलेगा। कन्याकुमारी से शुरू हुई यात्रा कश्मीर तक जाएगी, कांग्रेस जिलाध्यक्ष का यह बयान है। आगरा नगर निगम की खुली है पोल, यह खबर आगरा से है। आगरा स्मार्ट सिटी है कागजी स्मार्ट सिटी। बिजली घर पर बिना बारिश के बाजार में भरा गंदा पानी, पानी भरने से व्यापारियों को हो रहा है नुकसान। आगरा के बिजली घर चौराहों का मामला। गेट ऑफ इंडिया बोला जाता है बिजली घर को, लाखों लोग वहां से निकलते हैं, जब एक आदमी कहां से कहां महामारी फैला सकता है, लाखों का क्या होगा। नगर आयुक्त कभी नहीं चेत रहे, नगर निगम कभी नहीं चेत रहा, मेयर कभी नहीं चेता। आप देख रहे हैं किस तरीके से इनकी मंशा समझ में नहीं आ रही है। नाले का बैग पानी, इसका मतलब खातों में आपने सफाइयां करी और नाला नरक बना हुआ है, पूरा बैग पानी आके
बिना बारिश के, सबसे बड़ी बात तो देखिए एक सेकंड की बारिश थी। और मुझे तो लग रहा है ये 20 जो आ रहा है ना G20, इसके स्वागत के लिए आगरा की दिशा, आगरा के तस्वीर कह रहे हैं आगरा हमारा नंबर वन पे आए। मैं कह रहा हूँ आगरा नंबर वन तो क्या, इस हिसाब से 100 क्या 200 तक भी पीछे रह जाएगा। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। गाजियाबाद में पुलिस की दबंगई आई है सामने, गाजियाबाद से बड़ी खबर आ रही है। कलेक्ट्रेट पर धरना दे रहे मजदूरों पर सितम। शराब के नशे में पुलिसकर्मी ने चढ़ाई मोटरसाइकिल। मंडलायुक्त डॉक्टर रेसन जैकब ने दिए निर्देश, लखनऊ से यह खबर है। शहर से हटाए जाएं अनाधिकृत बैनर पोस्टर। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और G20 कार्यक्रम के डिस्ट्रिक्ट मंडलायुक्त ने दिए हैं ये निर्देश। भावी प्रत्याशी के अनाधिकृत लगे बैनर पोस्टर हटाए जाएंगे। निकाय चुनाव के डिस्ट्रिक्ट शहर में लगे हुए हैं अनाधिकृत राजनीतिक बैनर पोस्टर। अभियान चलाकर जल्द ही हटाए जाएंगे सभी अनाधिकृत बैनर पोस्टर। 10 फरवरी से शुरू होने जा रहा है यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023। सीएम आवास पर बड़ी बैठक जारी, यह खबर लखनऊ से है। सड़क सुरक्षा को लेकर सीएम आवास पर बड़ी बैठक। सीएम योगी कैबिनेट मंत्री के साथ कर रहे हैं बैठक। सड़क दुर्घटना को नियंत्रित करने के लिए बैठक में बनाई जाएगी रणनीति। डिप्टी सीएम बिजेश पाठक समेत कई बड़े नेता बैठक में मौजूद। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की यूपी में एंट्री। भारत जोड़ो यात्रा पर जुबानी जंग तेज। बीजेपी के हमले पर कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी का पलटवार। बीजेपी राहुल गांधी की लोकप्रियता से घबरा गई। एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री को भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, दरअसल जो जनता का जन समर्थन मिल रहा है उत्तर प्रदेश में श्री राहुल गांधी जी के अभियान को, तो भारतीय जनता पार्टी बौखला गई। आज उनकी हताशा है कि उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना पड़ रहा है। जनता का जन समर्थन मिल रहा है, जनता से जुड़े मुद्दों पर श्री राहुल गांधी जी लगातार आवाज उठा रहे हैं, उन सवालों के जवाब नहीं है बीजेपी के पास, इसीलिए वो अंदर की बात कर रहे हैं। आने वाले समय में उनको एहसास हो जाएगा। क्या हुआ? लखनऊ से मस्कट जाने वाली फ्लाइट घंटों लेट। तड़के 4 बजे अमौसी से मस्कट जानी थी फ्लाइट। अभी तक फ्लाइट के इंतजार में बैठे यात्री। एयरपोर्ट प्रशासन कोई जवाब देने को तैयार नहीं। बुजुर्ग महिलाएं और बच्चे सर्दी में ठिठुर रहे हैं। एयरलाइंस की तरफ से होटल का भी इंतजाम नहीं। पंद्रह घंटे से एयरपोर्ट पर बैठे हैं सभी यात्री। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।